Good morning, students, and welcome back to my chemistry lecture of acids, bases and salts chapter. This is the second lecture of this chapter. So if you haven't seen the first one, go through with it first, understand and memorize the concept what we have discussed and I told you. Thereafter, let's move on with this chapter. And it is important for you to note down the lecture notes. Whatever I'm writing here on board and whatever I'm saying which is important, like a definition, if I'm saying a definition and I'm not writing it, but if that is important, because obviously we are here talking only the important stuff. So everything what I'm saying and what I'm writing is important for you to note down. Everything which is of your academic syllabus, which is of your curriculum, which is of your NCERT textbook, because that is important. जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो तो important है ही, वो must है. और अगर मैंने कोई चीज़ बोली है like example and everything, वो सब भी आप note down करोगे तो आपके लिए better होगा. ठीक है, like that extra effort will uplift your caliber. So yeah, with that note, let's start with the chapter, moving on. So in the last lecture, as I can see that we had this activity 2.2, which was like over, so which was about the olfactory indicators. Now we will talk about further and the different properties of acids and bases. So now the topic is reaction of acids with metals. So metals के साथ में ये कैसे रिएक्ट करेंगे एसिड्स मेटल के साथ में एंड बेसिस आल्सो. सो एसिड्स की जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ी थी, लाइक एसिड्स कैन डोनेट एच प्लस आयन, जो उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी आर्किनियस कॉन्सेप्ट से, कि अगर एसिड को हम वाटर में डालेंगे या सोल्यूशन में अगर वो गया तो वो आयनाइज हो जाता है एंड एच प्लस आयन डोनेट करता है. Similarly, here also, in presence of a metal, when acid will react, एक हमने example भी देखा था, very first chapter में, जब हमने displacement reaction पढ़ाता था, and displacement reaction के भी पहले, I think एक example था, जिसमें HCl और zinc के बीच का reaction था, zinc is a metal, HCl is an acid, so acid and metal का reaction हम already देख चुके हैं. Let's talk about कि बनता क्या है, zinc जो कि सॉलिड में है, ये होता है जिंक ग्रैनुल्स फॉर्म में, ग्रैनुल्स, जिंक ग्रैनुल्स बोलते हैं इसको, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे ग्रैनुल, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कंकड़ पत्थर टाइप, कंकड़ पत्थर मतलब ग्रैनुल साइज, जो कि बहुत ही छोटा ना हो, लाइक मटर के बराबर का साइज इज द ग्रैनुल. सो जिंक जो है मेटल, वो उस साइज में अगर प्रेजेंट है, सो वी विल कॉल इट जिंक ग्रैनुल्स. ओके, सिमिलरली अगर उसको भी हमने बहुत छोटे छोटे पाउडर में और कन्वर्ट कर दिया तो हम उसे बोलते हैं जिंक डस्ट. ये सब कुछ ऐसे टर्म है जो आपको नोटबुक्स एंड अलग अलग टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, जिंक डस्ट, जिंक ग्रैनुल्स, यू शुड नो, क्योंकि जब हमें साइज के बारे में पता होगा कि ये कितने बड़े साइज की बात कर रहे हैं, ग्रैनुल क्या होता है, डस्ट क्या होता है, तो हमारे दिमाग में एक विजन, एक विजुअल इमेज क्रिएट होगी कि ओके एच सी एल इज दिस, लाइक एक जो इमेज क्रिएट होना है, जो इमेजिनेशन है, लाइक आई कैन नॉट शो यू हियर दैट जिंक एंड एच सी एल के बीच का रिएक्शन, वो हम लैब में करेंगे लेटर ऑन, बट अगर मैं बोल रहा हूँ तो उससे आपके दिमाग में एक विजुअल इमेज जो बननी चाहिए वो काफ़ी अप्रोप्रिएट बननी चाहिए. अगर वो थोड़ी सी भी गलत बनेगी तो वो मिसकंसेप्शन क्रिएट होगा. सो सिमिलरली आई एम एक्सप्लेनिंग दिस मच ताकि आपके दिमाग में अच्छी और एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट इमेज बने ऑफ दिस
reaction, that what is going on and how this reaction is taking place. HCl मैंने बताया था आपको कि HCl एक गैस होता है natural and state में, ठीक है, इसका जो natural state होता है वो एक गैस का होता है. इस गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करके एक्वस फॉर्म में बनाया जाता है. सो HCl इज द लिक्विड, यहां पे सॉल्यूशन फॉर्म में है. जिंक ग्रैनुअल सॉलिड फॉर्म में, ये सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में. अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये एसिड है, एसिड H+ आयन निकालेगा, HCl जो है वो बन जाएगा H+ एंड Cl- के फॉर्म में, और हमारे पास में है जिंक. ठीक है, जिंक है हमारा मेटल, और मेटल्स क्या होते हैं, जिंक है हमारा मेटल, मेटल होते हैं, मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. तो ये मेटल होते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन. जिंक के पास जो कैपेसिटी है डोनेट करने की वो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, क्योंकि जिंक की वैलेंसी भी इसीलिए 2 होती है. जिसकी जितनी वैलेंसी वो उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या ले सकता है. क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl- के फॉर्म में हो गया, और हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन चला गया तो हाइड्रोजन प्लस फॉर्म में हो गया यहां पर. ठीक है, नाउ जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा. सपोज यहां पे 2 हाइड्रोजन है और 2 HCl है. ठीक है, ये 2 है, यहां पे मैंने लिख दिया, ये डाइल्यूट हटा देता हूं, यहां मैंने लिख दिया 2. सो ये 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन निकलेगा. सो दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और उसके बाद में बॉन्ड बनाकर H2 बन गए. सो यहां पे अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन बताऊं, सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और यहां से जिंक का Zn2+ और 2 क्लोरीन और ये जिंक, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ZnCl2 एक्वस. रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या था, जिंक प्लस ट्वाइस ऑफ HCl. इस तरह से ये रिएक्शन होगी, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद एसिड ZnCl2 एंड H2. इसमें जनरल टर्म में हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड या एसिड्स, इट गिव अस दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट. सॉल्ट प्लस this is hydrogen gas. Now hydrogen जो है वो gas के form में निकल रहा है. ठीक है, अब इसको imagine करो कि ये liquid है, इसमें HCl है. मैंने zinc के granules लिए, इसके अंदर granules डाले, छोटे छोटे से granules आए नीचे यहाँ पे. अब granules जो है वो metal है, solid है, liquid जो है वो acid है. एसिड जो है उस मेटल को गलाना शुरू करेगा, उसको गलाएगा, उसको मेल्ट करेगा, और वो मेल्ट होके किस फॉर्म में आएगा, Zn2+ के फॉर्म में. जैसे जैसे ये Zn2+ बनेगा, ये दो दो इलेक्ट्रॉन निकालता जाएगा, और ये दो दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता जाएगा. तो जैसे जैसे वो जिंक मेटल मेल्ट होगा, उसके अंदर एसिड के अंदर गलेगा, वैसे ही हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में निकलती जाएगी. जिंक के सरफेस पे ऐसे बबल्स चिपकेंगे और फिर धीरे धीरे वो बबल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकलेगी. अब ये गैस निकल रही है हमें देख के पता लग जाएगा, बट हाइड्रोजन है या नहीं ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम करते हैं टेस्ट. हम जब भी कभी रिएक्शन देखते हैं तो एक लिक्विड है, हमने जिंक लिया, डाला उसमें, उसमें से गैस निकल रही है, हमें नहीं पता वो कौन सी गैस है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है. पहली बात, गैस तो कोई कलर नहीं है, और कलर होता भी तो भी बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो गैस निकल रही है, तो हमें कैसे पता कि वो हाइड्रोजन गैस है, इसका एक टेस्ट होता है. सो
इन ऑर्डर टू टेस्ट दिस गैस, यहां पे मैं रफ करके आपको बता रहा हूं कि द गैस इवॉल्व, गैस इवॉल्व इवॉल्व एज ब्रिस्क ब्रिस्क एफरवेसेंस, ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब बबल्स निकलना है, गैस इवॉल्व एज ब्रिस्क एफरवेसेंस एंड कैन बी टेस्टेड व्हेन अ बर्निंग कैंडल या फिर मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर टू इट. सो द गैस इवॉल्व, इसके बाद का ये है कि जो गैस इवॉल्व होगी एज ब्रिस्क एफरवेसेंस, ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे ब्रिस्क एफरवेसेंस, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हम खोलते हैं तो वो बबल्स निकलते हैं, दैट इज ब्रिस्क एफरवेसेंस. तो ब्रिस्क एफरवेसेंस जो है वो जब निकलेगी तो इसको हम टेस्ट करते हैं, कैन बी टेस्टेड व्हेन अ बर्निंग कैंडल, एक बर्निंग कैंडल, कैंडल को हमने लाइट किया, या फिर मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर टू इट, नियर टू विच थिंग द गैस. जैसे ये टेस्ट ट्यूब है तो इसका माउथ यहां पर है, यहां से गैस निकल रही है, सो यहां पे हम अगर बर्निंग मैच स्टिक ऐसे लेके आएंगे या कैंडल लेके आएंगे तो क्या होगा. ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन द गैस विल बर्न द गैस विल बर्न एंड produces produce pop sound, pop sound आएगा, pop sound, जैसे कि एक single cracker fire crackers जो होते हैं उसमें से एक sound आता है that pop sound. तो वो जब hydrogen gas का molecule burn होता है तो वो pop sound आता है, exothermic reaction है. और hydrogen gas burn होता है तो क्या बनेगा, obviously ये गैस जो निकली हाइड्रोजन गैस, इसे हम मैच स्टिक इसके पास में ले जाएंगे हाइड्रोजन, तो वो बर्न होगा और एक और गैस निकलेगी, क्योंकि बर्निंग मतलब हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, वाटर वेपर. सो फाइनली अगर हम उसे बर्न कर देंगे तो हमें वाटर वेपर मिल रहा है. तो जो पॉप साउंड आ रहा है उसका मतलब यही है कि दैट हाइड्रोजन गैस इज बर्न, द गैस विल बर्न and produce pop sound. या इसके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, the gas will burn with a pop sound. और अगर pop sound आ रहा है तो मतलब वो hydrogen है. This indicates indicate this indicate that the gas evolved is hydrogen, the gas involved is hydrogen, hydrogen gas. So this is the activity 2.3, this is activity 2.3. so activity 2.3 में यही है कि metal react करेगा तो hydrogen gas निकलेगा and salt निकलेगा, clear, with a pop sound. इसके अंदर activity 2.3 के अंदर 2.3 के अंदर जो एसिड लिया हुआ है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4. डजंट मैटर, क्योंकि चाहे H2SO4 हो या HCl हो या कोई सा भी हो, HNO3 हो, मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. H2SO4 वाला भी एक बार देख लेते हैं रिएक्शन क्या होता है. जिंक सॉलिड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस. अब इसके पहले वाले में जो मैंने ZnCl2 लिखा था वो जिंक क्लोराइड है, ये है जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस. अगेन मेटल एसिड, जिंक सल्फेट इज अ सॉल्ट एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस. सो कोई भी मेटल
किसी भी एसिड से अगर रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी, बनेगा एज अ प्रोडक्ट। बट यहां पे थोड़ा सा मैंने ज्यादा ही बोल दिया। क्या ज्यादा बोल दिया? कि कोई भी मेटल थोड़ी, सारे मेटल्स नहीं रिएक्ट करेंगे। व्हाई? क्यों नहीं करेंगे सारे रिएक्ट? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, याद रखना। नोट्स मैं आपको अलग से नहीं दे रहा हूं, यू हैव टू नोट डाउन एवरीथिंग। सो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, इसको आप नोट डाउन कर लेना। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड एक्टिविटी मैंने बोला था अलग से, प्रैक्टिकल फाइल में करने की जरूरत नहीं है, उसको क्लास वर्क में ही कर लेना। मैं कह रहा हूं कि सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। सो व्हाट काइंड ऑफ मेटल्स आर दोज जो कि रिएक्ट नहीं करते? बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। कौन से ऐसे मेटल है जो रिएक्ट नहीं करते एसिड से? वही हैं जो लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव मेटल मतलब मोर स्टेबल मेटल। मोर स्टेबल मेटल मतलब इनर्ट मेटल। इनर्ट मेटल्स को हम नोबल मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल्स या फिर स्टेबल मेटल्स या फिर नोबल मेटल्स। अब ये कौन से हैं ये मेटल्स? लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। नाउ इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ऐसे ऐसे कम हो रही है। ये सब इनर्ट में आते हैं वैसे तो। कॉपर भी बहुत इजली रिएक्ट नहीं करता, वीक एसिड के साथ में तो बिल्कुल नहीं करता, स्ट्रॉन्ग के साथ में कर लेता है थोड़ा बहुत कॉपर रिएक्ट। तो बाकी जितने भी मेटल्स हैं हमने पढ़े, तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये भी देखा होगा कि कॉपर जो है वो दूसरे कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, बट कॉपर दूसरों को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। आयरन को कॉपर सल्फेट में डालो तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर को आयरन सल्फेट में डालोगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाता है किसी को। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। कॉपर से भी कम रिएक्टिव है सिल्वर। इन सबके सिंबल भी आपको पता होने चाहिए। सी यू है कॉपर, कैपिटल ए स्मॉल जी सिल्वर, ए कैपिटल स्मॉल यू गोल्ड, एंड कैपिटल पी विद स्मॉल टी प्लैटिनम। सो ये जो है कॉपर से भी ज्यादा कम रिएक्टिव और ज्यादा स्टेबल कौन है? सिल्वर। सिल्वर से भी ज्यादा स्टेबल और कम रिएक्टिव कौन है? गोल्ड। और गोल्ड और प्लैटिनम की लगभग बराबर की स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी है, दोनों ही कम रिएक्टिव है। तो ये सारे मेटल्स एसिड्स के साथ में इजिली रिएक्ट नहीं करते हैं, बट ये सब लीस्ट रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है। बट अगर एसिड बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ, एसिड इतना रिएक्टिव हुआ कि ये लीस्ट रिएक्टिव है तो फर्क नहीं पड़ता, एसिड इनको डिसॉल्व कर लेगा, तो फिर क्या होगा? एंड ट्रस्ट मी, ऐसे एसिड्स हैं, कुछ एसिड्स जो कि कॉपर के साथ में भी रिएक्ट। मैंने बोला कॉपर तो हॉट, गरम एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। मतलब एसिड को अगर हम गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, उसके बाद कॉपर से रिएक्ट कराएंगे तो वो कर जाएगा, क्योंकि गर्म करने पे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है एसिड की। हॉट एंड कंसंट्रेटेड सिल्वर और गोल्ड, ये सब रिएक्ट करते हैं कुछ ऐसे एसिड से जो कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहे जाते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये इन्हें डिसॉल्व कर लेते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम एक नोबल मेटल है, रॉयल मेटल है, बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल में आता है ये। जो एसिड या जो सॉल्यूशन इन्हें डिसॉल्व कर लेता है, गोल्ड और प्लैटिनम को, उस सॉल्यूशन, उस एसिड को हम लोग बोलते हैं रॉयल वाटर या किंग्स वाटर। इसको जो एसिड डिसॉल्व करता है उससे हम बोलते हैं, वो होता है एक्वा रिजिया। नाउ एक्वा रिजिया जो है ये हमारा एक लैटिन टर्म है, एक्वा लैटिन वर्ड है, और इंग्लिश में इसका मतलब
वॉटर पानी. सो एक्वा रिजिया, रिजिया जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब रॉयलिटी, किंग्स, बड़ी चीजें, नोबल चीजें. तो एक्वा रिजिया जो है ये नाम है एक एसिड का जो कि मिक्सचर है. एक्वा रिजिया क्या क्या होता है? एक्वा रिजिया होता है 3:1 का रेशियो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को अगर 3:1 यानी कि 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड लेके अगर मिक्स कर दो तो ये बन जाएगा एक्वा रिजिया. एक्वा रिजिया एक फ्यूमिंग एसिड है. ये क्या है? इट इज अ मिक्सचर फ्यूमिंग एसिड. पहली बात तो ये मिक्सचर एसिड है क्योंकि दो एसिड का मिक्सचर है और फ्यूमिंग एसिड है. फ्यूमिंग मतलब इसके ऊपर से वो फ्यूम्स निकलते रहते हैं व्हाइट व्हाइट के एसिड के ऊपर से फ्यूम्स, तो वो उसके इस चीज को शो करते हैं कि वो कितना डेंजरस है. ये एसिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग को मेल्ट कर देता है. सिमिलरली एक और एसिड है HF. HF मतलब हाइड्रो फ्लोरिक एसिड. HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HF होता है हाइड्रो फ्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हुआ या एक्वा रिजिया हुआ, इनके पास में ये टेंडेंसी है कि ये किसी भी चीज को ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इसके अंदर तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग मेल्ट हो जाता है. हर एक चीज मेल्ट हो जाएगी. आप इसके अंदर ग्लास डालो मेल्ट हो जाएगा, वुड डालो लकड़ी मेल्ट हो जाएगा, मिट्टी सिरेमिक सब मेल्ट हो जाएंगे इसके अंदर. बहुत ही डेंजरस है, ठीक है. एंड बट ये प्रॉपर्टीज की ये है कि ये प्लास्टिक को मेल्ट नहीं कर पाता. प्लास्टिक मेल्ट नहीं, प्लास्टिक के साथ में ये नॉन कोरोसिव हो जाता है, अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक्स. इसीलिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या HF को हम प्लास्टिक के बॉटल में रखते हैं. ग्लास के बॉटल में इसको नहीं रख सकते, वो मेल्ट कर देगा ग्लास को. मेल्ट कर देगा मतलब ग्लास के अंदर को वो कोरोड कर देगा, फिर ग्लास धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा, एसिड बाहर कर फ्लो हो जाएगा. बाहर वो टेबल पे, फ्लोर पे, कहीं पे भी स्पिल हो गया, जहां पे भी अगर एसिड गिरेगा ये, वो जगह पूरी मेल्ट हो जाती है क्योंकि ये एसिड बहुत स्ट्रांग होता है. तो इसे हम प्लास्टिक के बॉटल में रखते हैं. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज एसिड्स? इनके भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस होते हैं रिसर्च के बेसिस पे एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स को बनाने में. सो ये भी काफी स्ट्रांग एसिड है. एक्वा रिजिया की बात करें तो लैटिन में एक्वा रिजिया होता है. इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो वाटर एंड रिजिया मतलब रॉयल, तो ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर और किंग्स वाटर, ठीक है. सो एक्वा रिजिया एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड इसी तरीके से एक दो एसिड्स और भी हैं जो कि बहुत स्ट्रांग हैं. सो स्ट्रांग एसिड ये गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर लेते हैं, गोल्ड को. एंड एक्वा रिजिया जो है वो गोल्ड, अगर जैसे कि गोल्ड के ऊपर तो वैसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, बट अगर गोल्ड के ऊपर भी कोरोजन आ जाए गोल्ड के ज्वेलरीज के ऊपर, तो इसके कुछ प्रपोर्शन को वाटर में डिजोल्व करके उससे हम गोल्ड को पॉलिश करते हैं, सफाई करते हैं. ज्वेलरी वगैरह की जो सफाई होती है, गोल्ड पे अगर ब्लैक लेयर आ गया ऑक्साइड का या फिर कुछ गोल्ड थोड़ा सा वो हो गया, गोल्ड की प्लेटिंग अच्छी नहीं है, अनइवन हो गई, तो हम एक्वा रिजिया से उसकी सफाई करते हैं. उससे क्या होता है, ऊपर का पूरा लेयर मेल्ट हो जाता है. आपका गोल्ड जो है ज्वेलरी वो अगर एक्स ग्राम का है, एक्वा रिजिया से पॉलिश करने के बाद में वो एक्स माइनस समथिंग ग्राम का हो जाएगा क्योंकि उसका वेट कम हो जाएगा. वेट कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि कुछ गोल्ड ऊपर वाले सरफेस का वो तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि हम उसे पॉलिश कर रहे हैं एक्वा रिजिया से, और पॉलिश कर रहे हैं तो गोल्ड लेस हो जाएगा. अंडरस्टूड? सो बहुत ही माइन्यूट इसका लेके गोल्ड की क्लीनिंग करते हैं, प्लैटिनम के एंड गोल्ड के ज्वेलरीज एंड आर्टिकल्स की क्लीनिंग हुई होती है इस एसिड से. रॉयल वाटर बोलते हैं
देखने में काफी इंटरेस्टिंग है, सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है, बट मोस्ट डेंजरस है। तो ऑब्वियसली किसी भी एसिड के साथ में हमें खेलना नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया। प्रिकॉशंस हर जगह लेने हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो ऐसा या वीक एसिड हो। सो दैट्स इट विथ एसिड एंड मेटल के रिएक्शन के बारे में। सिमिलरली बेसिस भी मेटल से रिएक्ट करते हैं इन अ वेरी सेम वे। बेसिस भी मेटल से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, बेसिस बेस प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो ऑब्वियसली मैंने बोला सेम रिएक्ट करते हैं, तो ये भी वही चीज बनाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, बेस का NaOH प्लस मेटल जिंक Na2ZnO2 प्लस H2। इसका जो है वो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। H2O यहां से निकलेगा, इसका हम ले लेंगे ट्वाइस, ठीक है। H2 गैस यहां से निकलेगा एंड Na2 और O2 जिंक के साथ में कंबाइन होके ये बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं सोडियम अलग है, तो दिस इज सोडियम एंड ZnO2 को बोलते हैं जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली अगर NaOH रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ में Al, तो बनेगा NaAlO2 प्लस H2, दिस इज सोडियम एलिमिनेट, सोडियम एलिमिनेट, सोडियम जिंकेट, ये दोनों ही सॉल्ट हैं, डिफरेंट तरीके के सॉल्ट हैं। वैसे सॉल्ट नहीं है जो हमें एसिड और मेटल में मिल रहा था, ये थोड़े डिफरेंट तरीके के कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं ये। तो जिंकेट का जो फॉर्मूला है वहां पे N2 है और यहाँ पे Na है, सिर्फ Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिर्फ Na है। वो इस वजह से क्योंकि Zn जिंक की वैलेंसी होती है 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सो इस वजह से एक सोडियम कम है। तो अगर मैं जिंकेट बोलूं तो देखो सोडियम आयन ऊपर वाले में तो है, जिंकेट को सिर्फ अगर मैं बताऊं, सोडियम तो Na प्लस होता है, जिंकेट जो है वो है ZnO2 और ऊपर आएगा 2-, ये है जिंकेट आयन। एलिमिनेट एलिमिनेट आयन होगा Al(O)2-, सिंगल माइनस। तो देखो यहां पे 2- है, यानी कि इसके साथ में 2Na+ होना चाहिए और यहां पे एक ही माइनस है, तो इसके साथ में सिर्फ Na+ होना चाहिए। तो सोडियम 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 जिंकेट को अगर ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से, दो सोडियम प्लस और जिंकेट आयन, एलिमिनेट आयन और एक सोडियम, ये इस तरीके से ब्रेक होता है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट एंड बेस एंड मेटल, क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ मूविंग ऑन, नाउ एक्टिविटी 2.3 हमने डिस्कस कर लिया। एक्टिविटी 2.4 इज अबाउट जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। इससे भी हम वार्म करेंगे तो हमें सोडियम जिंकेट एंड एल्यूमिनियम जिंकेट मिल जाएगा। देन है मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड। नाउ मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा के इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ये दोनों। एंड सोडा मतलब ये एक तरीके से बेसिक होते हैं, सोडा नाम मतलब बेस ना हो गया, तो बेसिक नेचर होता है। और ये एसिड एसिड के साथ में काफी अच्छा रिएक्ट करते हैं। आपके बुक में ये दिया हुआ है, देखो बहुत ध्यान से, कि सोडियम मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्शन विद एसिड दिया हुआ है, बेस के साथ में इसका रिएक्शन नहीं दिया बुक में। क्यों नहीं दिया सोचो, ठीक है, क्यों नहीं दिया है बेस के साथ में रिएक्शन,
क्योंकि वो खुद ही एक बेस है। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, या मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब खुद ही में एक तरह के बेसिक नेचर के होते हैं इनके सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे नहीं, ऑब्वियसली, तो एसिड के साथ में इनका रिएक्शन है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा मेटल कार्बोनेट्स विद एसिड्स एंड बेसिस। तो मेटल कार्बोनेट्स विद एसिड्स के बारे में देखेंगे तो Na2CO3, ये बेकिंग सोडा का एग्जाम्पल, बेकिंग सोडा का मेन इंग्रेडिएंट है ये सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। अब देखो आयंस के लास्ट में ATE लगा होता है, मैंने बताया था जिंकेट, एल्युमिनेट, कार्बोनेट, तो जिसके भी लास्ट में ATE लगा हुआ है मतलब वो नेगेटिव आयन है, ठीक है। कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, एंड सोडियम Na+, ये तो हमें पता ही है, कार्बोनेट CO3 2 माइनस। सो ये जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में, सपोज HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ट्वाइस HCl बनेगा हमारा NaCl ट्वाइस प्लस CO2, NaCl ट्वाइस प्लस CO2 प्लस H2O, H2O CO2 एंड दस बैलेंस्ड। सो क्या मिला हमें? हमें मिला एक सॉल्ट, दिस इज अ सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड। हमें मिला एक ये क्या है? ये है गैस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज वाटर लिक्विड के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में नहीं, लिक्विड के फॉर्म में। नाउ इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? ये जो है CO2, ये हमारा गैस है, गैस के फॉर्म में ये बन रहा है। कार्बोनेट HCl मिक्स करेंगे हम तो हमें अगेन ये एक गैस निकल रहा है, तो क्या मिलेगा ऑब्जर्वेशन में? ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलेगा? ऑब्जर्वेशन में हमें मिलेगा अगेन ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ब्रिस्क एफर्वेसेंस मतलब हो गया गैस निकल रही है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन का तो हमने पता कर लिया था, बर्निंग कैंडल लेके गए थे, पॉप साउंड आया तो हाइड्रोजन गैस हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता करेंगे? अगेन सपोज ये हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, इस रिएक्शन मिक्सचर में हमने इसको इस तरीके से कवर कर रखा है और यहां से एक ट्यूब निकली हुई है जो कि अपोजिट साइड में, यहां पे एक कंटेनर रखा है जिसके अंदर ना, यहां पे हमने लिया लिक्विड, इसका मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूं कि थोड़ा सा आपके दिमाग में विजुअल चलता रहे। देखो सोडियम कार्बोनेट हमारे पास में, ये सॉलिड में भी हो सकता है, हमने सॉलिड के पाउडर्स इसमें डाल दिए, ये हमारे पास में HCl है, ठीक है HCl है, इसके अंदर हमने ऐड किया Na2CO3। अब यहां से ऐसे बबल्स फॉर्म में निकलेगा गैस, अब ये बबल गैस इधर से होते 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 यहां आया मिक्स होने। यहां पे हमने ऑलरेडी ले रखा है एक सोल्यूशन, ये सोल्यूशन कौन सा है? ये है CaOH2। CaOH2 को क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है एक तरीके का। क्या होता है ये? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइन में जब ये गैस पास करेंगे हम तो यहां पे हमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा? पहले तो ब्रिस्क इफर्मेशन ये मिला, एंड व्हेन द गैस पास्ड थ्रू CaOH2 इट टर्न्स मिल्की, ये मिल्की कलर का हो जाएगा, मिल्की मतलब तो व्हाइट हो जाएगा कलर, ऐसा प्रेसिपिटेट सा बनने लगेगा व्हाइट, तो मिल्की हो जाएगा। बट
ये कब तक मिल्की रहेगा? पूरा मिल्की हो जाएगा या फिर क्या, मतलब पूरा एकदम दूध के तरह हो जाएगा ये? तो हाँ, पूरा दूध की तरह हो जाएगा। बट अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड हम ऐड करते रहे करते रहे करते रहे काफी देर तक, व्हेन द गैस इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट टर्न्स मिल्की, बट एक्सेस ऑफ दिस गैस, अगर हम एक्सेस में डाल दिया, हमने इसमें हम गैस पास करते जा रहे हैं, इसमें से यहां से गैस बनती जा रही है, जैसे जैसे रिएक्शन होता जा रहा है गैस बन रही है, गैस बन रही है, हम पास कर रहे हैं डायरेक्ट, और हम करते जाएंगे तो पहले तो वो मिल्की टर्न हो जाएगा, एंड देन बट द एक्सेस ऑफ दिस गैस विल मेक मिल्की मिल्की अपीयरेंस विल मेक मिल्की अपीयरेंस गो, यानी कि वो मिल्की अपीयरेंस चला जाएगा, कुछ देर के लिए मिल्की बनेगा, बट फिर भी हम गैस पास किए जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो फिर से मिल्की जो है वो ट्रांसपेरेंट में बन जाएगा दोबारा। यानी कि हुआ क्या, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस क्या हुए, वो अब देखते हैं हम। तो सबसे पहले इस चीज को यहां से मैं सेलेक्ट करता हूं, और आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, Na2CO3 plus HCl रिएक्ट करके बनाया NaCl twice, यहां पे HCl twice होगा, CO2 एरो ऊपर क्योंकि ये गैस है, और वाटर, अब ये जो एरो ऊपर गया ये CO2, ये हमने रिएक्ट कराया CaOH whole twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइन के साथ में हमने पास कराया, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CaCO3, ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बनेगा फॉर सम टाइम, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं बनेगा, और ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये पहले भी, कि कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे डाउनवर्ड वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वाटर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर, ये इस तरीके का बनेगा। अब हम अगर और भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालते जा रहे हैं, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट फिर से जो बन गया है इसके अंदर ऑलरेडी व्हाइट वाला, वो रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो क्या बनेगा, हमें मिल जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ टॉपिक क्या था हमारा, टॉपिक था मेटल कार्बोनेट्स विद एसिड एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड, दोनों में ही हमें सेम रिएक्शन मिलेगा। CaCO3 ये है मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा एक्सेस व्हाइट मिल्की बनने के बाद में, जो मिल्की बना है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, अब हम उसे भी CO2 के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोल्यूबल, इसे मैं इस तरीके से एरो वरो दे के बना रहा हूं इधर उधर, आप लिखोगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो यहां पे लिखना कैल्शियम हाइड्रोजन, इसके बाद नीचे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वॉटर, वॉटर कॉमा विच मेक्स द मिल्की पीपीटी प्रेसिपिटेट डिस अपीयर, मिल्की प्रेसिपिटेट डिस अपीयर हो जाएगा, किसकी वजह से, इसके वजह से ये बन जाएगा, और ये वाटर में सोल्यूबल होता है इसलिए मिल्की कलर जो है वो चला जाएगा। तो मेटल कार्बोनेट्स का रिएक्शन आपको समझ में आ गया, इस तरीके से मेटल कार्बोनेट्स का रिएक्शन हो जाएगा। द सेम रिएक्शन विल टेक प्लेस विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, बस बैलेंसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम चेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम नहीं, बैलेंसिंग में बस चेंजेस आएंगे, बाकी एज सच कोई भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CaHCO3 होल ट्वाइस रिएक्ट कराएंगे हम H2SO4 के साथ में,
अगेन, तो ये क्या है, ये है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वहां पे जो लिखा, तो इसको एसिड के साथ में रिएक्ट कराया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ में क्या बनेगा, सॉल्ट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O, ये बन जाएगा। और अगर इसी का कार्बोनेट होता तो क्या बनता, तो भी यही बनता, कार्बोनेट देखते हैं, CaCO3 प्लस H2SO4 गिव्स CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O, ये बना। नाउ सी द डिफरेंस, यहां पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग कई बार बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं इसको, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट ओनली। नाउ ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ में, तो कैल्शियम सल्फेट जो कि हमारा सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड अ गैस जो कि ब्रिस्क एफर्वेसेंस देगा, और स्ट्रेट लाइन से पास करेंगे तो मिल्की अपीयरेंस देगा। मिल्की अपीयरेंस कंफर्म करता है कि ये जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि मिल्की और किसी गैस से नहीं आएगा। मिल्की अपीयरेंस आना इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ये बनेगा। ना ऊपर वाले रिएक्शन और नीचे वाले रिएक्शन में अगर देखें, तो ये वाला रिएक्शन, नीचे वाला जो रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड है, ठीक है, ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है। ऊपर वाला रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड है, नहीं है बैलेंस, तो इसमें कैसे बैलेंस करना पड़ेगा, हमें हमें देखना पड़ेगा, कैल्शियम यहां पे 1 है, SO4 1 1, ये हो गया, यहां पे हम कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा CO3 H2 CO3, 2 नहीं करेंगे, हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया। सो दिस इज हाउ वी गोना बैलेंस इट, कैल्शियम कार्बोनेट 2 हो जाएगा एंड यहां पे CO2 भी 2 हो जाएगा, राइट इज बैलेंस, कार्बन भी 2 हो गया एंड ऑक्सीजन 6 4 2, ठीक। सो दिस इज द डिफरेंस, मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, दोनों में ही सॉल्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर 2-2 मोल्स बनेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में और कार्बोनेट के साथ, वो तो आप बैलेंस करके देख लेना किसमें क्या बन रहा है, बट बनेगा यही। व्हाई इट इज नॉट रिएक्टिव विद बेस, क्वेश्चन इस तरीके के भी आएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट बेस के साथ में क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे, क्योंकि इन दोनों का नेचर ऑलरेडी क्या होता है, बेसिक इन नेचर, इनका नेचर, केमिकल नेचर कैसा होता है, बेसिक, तो जो बेस है वो बेस के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा, नहीं करेगा रिएक्ट। एसिड को एसिड में डालोगे कोई रिएक्शन नहीं, वाटर को वाटर में डालोगे कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है। सो एक एसिड है तो दूसरा बेस होना चाहिए, ये बेस है इसीलिए इसका रिएक्शन सिर्फ एसिड के साथ में, बेस के साथ में नो रिएक्शन, क्लियर। देन है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, सो ये वाला मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी बता दिया है, एसिड्स प्लस बेसिस, फर्स्ट लेक्चर में ये मैंने बताया था, गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, एग्जांपल ले लेते हैं, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड गिव्स MgNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर, ठीक है, बैलेंस हो गया। नाउ CaOH होल ट्वाइस अगेन
मैंने इधर एसिड लिखा है और इधर बेस लिखा है, ये ऐसे हो गया थोड़ा, बट समझ जाना इतना तो ये बस इधर उधर लिख दिया मैंने। सो दिस इज अगेन अ बेस, इसको रिएक्ट करा देते हैं H2SO4 के साथ में करा दें, या फॉस्फोरिक एसिड के साथ में करा दें, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ में। तो और ये देखो H निकाल दो यहां से तीनों, PO4 बच गया, फॉस्फोरिक कैल्शियम ले लो, कैल्शियम का होता है वैलेंसी 2, फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 3, तो 3 यहां लग जाएगा एंड PO4 पे 2 लग जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी 2, PO4 पे कितना चार्ज है 3 का, ये 3 माइनस है, ये 2 प्लस है, बस अब ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो Ca3PO42, ये बन गया हमारा कैल्शियम फॉस्फेट प्लस H2O वाटर। इसको बैलेंस कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 2 6 एंड 2 8, ये हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। एंड न्यूट्रलाइजेशन कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलेगी, एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, इसलिए इस रिएक्शन को काफी प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ में किया जाता है परफॉर्म। क्लियर? सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वन मोर इसका टाइप है, क्या होता है वो, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, यही रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और एक और इसको हम बोल सकते हैं, वो खैर उसको बोलते नहीं है, बट फिर भी नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, ये ऐसा रिएक्शन है जो कि रिडॉक्स नहीं है। वो मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो सारे के सारे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में आते हैं। तो दिस इज द रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट विल गिव सॉल्ट एंड वाटर। Now let's discuss today's last topic. Now metals जो होते हैं, metals जब भी हम metals को कर देते हैं react oxygen के साथ में तो बनता है metal oxide। ठीक है, और सिमिलरली नॉन मेटल्स जो होते हैं इनको जब ऑक्सीजन के साथ में या फिर बर्न कर देते हैं तो बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड का अपना अपना एक केमिकल नेचर होता है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले, फिर भी मैं एग्जांपल बताता हूँ। मेटल हमने लिया सोडियम, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा दिया, बन गया Na2O सोडियम ऑक्साइड, या फिर हमने मेटल लिया आयरन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा दिया, बन गया Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल हमने लिया कार्बन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नॉन मेटल हमने लिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नॉन मेटल हमने लिया सल्फर, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सो मेटल्स ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड। किसी भी सब्सटेंस को जब हम बर्न करते हैं, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, बर्न मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वो हमेशा बनाता है उसका ऑक्साइड। मेटल है तो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ऑक्साइड। दोनों के नेचर में कुछ डिफरेंस है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक, ये लिटमस पे हमें बेसिक सॉल्यूशन बेसिक कट वो देंगे टेस्ट। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये जो मैं नेचर लिखा हूं, ये किस नेचर की बात कर रहा हूं, ये नेचर है उनका केमिकल नेचर। नेचर मतलब प्रॉपर्टी, नेचर उनका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो एसिडिक हैं, एंड मेटल ऑक्साइड्स आर
basic in nature. Non-metal oxides like these carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, ये सब मेजरली निकलते हैं ऑटोमोबाइल से. तो ऑटोमोबाइल जो है जब एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है ऑटोमोबाइल किसी भी गाड़ी से, कार से, बाइक से, तो वो जो धुआं होता है पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन ये सारे गैसेस अपने पास रखते हैं. ये गैसेस जाते हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है हमारे वाटर वेपर, उनके साथ में कंबाइन होते हैं जब लाइटनिंग वगैरह होती है, क्लाउडी माहौल होता है और ह्यूमिडिटी शुरू होती है. तो बेसिकली जब बारिश होती है तब की बात कर रहा हूँ मैं. तो ये गैसेस कंबाइन होते हैं वाटर वेपर के साथ में, और वाटर वेपर के साथ में कंबाइन होने के बाद में ये बनाते हैं एसिड. और वो जब एसिड की बारिश होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन. एसिड रेन का भी यही फिनोमेना है कि ये सारे पोल्यूटेड गैसेस, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है, ये वाटर वेपर के साथ में जो हमारे एटमॉस्फेयर में अगेन प्रेजेंट है, वो उसके साथ में कंबाइन होके जब गिरता है तो ये एसिड रेन कहलाता है. एसिड रेन एक तरह का नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है उसको. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, हमारे जहां जहां बारिश गिरेगी, आई मीन रोड पे गिरेगी, पेड़ पौधों पे गिरेगी, एग्रीकल्चर फील्ड में गिरेगी, ब्रिजेस पे गिरेगी. ब्रिजेस मोस्टली आयरन वगैरह के बने होते हैं, मेटल यूज होता है बिल्डिंग्स में, बिल्डिंग मटेरियल पे, एवरीथिंग, स्टैचू पे, ठीक है, इंडिया गेट, ताजमहल, इन सब जगह पे गिरेगी बारिश. तो वो क्या करेगा, सबको खराब करेगा, डिग्रेड करेगा, कोरोड करेगा, क्योंकि एसिड्स आर कोरोजन, एसिड्स कोरोसिव नेचर के होते हैं. तो ये कोरोसिव नेचर की वजह से ये सारे मटेरियल्स, एग्रीकल्चर फील्ड सब खराब हो जाती है. तो वो एसिड रेन का कॉन्सेप्ट है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट. तो ये मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स, मेरा जो मेन पर्पस है ये बताने का, वो ये है कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक है तो ये बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि खुद बेस है वो. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सो इट विल नॉट रिएक्ट विथ बेस. सिमिलरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सो इट विल नॉट रिएक्ट विथ एसिड. आपके बुक में जो रिएक्शन दी हुई है वो मेटल ऑक्साइड्स की एसिड के साथ और नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ में रिएक्शन दी हुई है. अंडरस्टूड? एंड या यही मेरा पर्पस आपको बताने का कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स का, नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ में रिएक्शन दिया हुआ है एक्टिविटी 2.7. ये आपको एक्टिविटी पढ़ना है. क्या है इसमें? इसमें है कॉपर ऑक्साइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड एंड बेस के साथ में रिएक्शन. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक हमारा वो हो गया बेस, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम क्या बनेगा वो हम देखेंगे. यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड दोनों के, ठीक है? एक एक एग्जाम्पल बस बता रहा हूँ, बाकी आप इससे पढ़ देना एंड नोट्स आप अपने से इसमें बनाना कुछ कुछ. हम बात कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड की, जो कि रिएक्ट करेगा किसके साथ में? एसिड के साथ में. क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड लेते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड, या और क्या लिया था हमने, Fe2O3. दोनों को रिएक्ट कराते हैं HCl, HCl के साथ में क्या बना था? देखो ये बनेगा NaCl सॉल्ट H2O वाटर. सो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो है हमारा कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट HCl. आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस HCl, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो अगेन सेम चीज मैंने बताया, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा. जब भी कभी ये रिएक्ट होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर. तो ये वही प्रोडक्ट है जो कि न्यूट्रलाइजेशन में हो रहा है, क्योंकि अगेन सब रिएक्शन एसिड और बेस का है बस. तो सॉल्ट एंड वाटर यहाँ पे बनेगा FeCl3 प्लस H2O, कॉपर CuCl2 प्लस H2O, सॉल्ट वाटर, देन नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स
अब ये क्या देता है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या हमारा फर्स्ट, ये क्या हमारा सेकंड, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल CO2, बेस का एग्जांपल CaOH होल ट्वाइस, याद आया क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्रिस्क एफर्वेसेंस से निकला था, स्लेक लाइन से पास कराया था, क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन अ सॉल्ट प्लस वाटर, यहां पर भी हम वही चीज लिख देंगे सॉल्ट प्लस वाटर। क्यों सेम क्यों बन रहा है दोनों में, ऊपर भी सॉल्ट एंड वाटर, यहां पे भी सॉल्ट एंड वाटर, एसिड बेस में भी सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि सब एसिड और बेस का ही तो रिएक्शन है, यहां पे ये बेस है ये एसिड, यहां पे ये एसिड है ये बेस, तो एसिड बेस क्या देगा सॉल्ट एंड वाटर, वही मिला हमें, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉन सोल्यूबल प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का, क्लियर। सो एक्टिविटी 2.7 तक आपको कर लेना है। क्वेश्चंस यहां पे है, कुछ क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस, सोर सब्सटेंसेस मतलब एसिड की बात कर रही है, एसिड्स वगैरह को नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, क्योंकि ऑब्वियसली एसिड है और मेटल के वेसल में हम रखेंगे, मेटल के वेसल में तो कोरोसिव नेचर होता है, कोरोसिव नेचर की वजह से हाइड्रोजन गैस निकलेगी एंड पॉइजनस या जिसको हम खा नहीं सकते नॉन एडिबल या अनएडिबल सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा एक तरीके से, बट फर्मेंटेशन वर्ड नहीं यूज करेंगे हम, लिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस कोरोसिव नेचर ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंस, इट विल रिएक्ट विद कॉपर टू गिव हाइड्रोजन गैस एंड पॉइजनस और नॉन एडिबल सॉल्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज एडवाइजेबल नॉट टू कीप सोर सब्सटेंस एसिडिक सब्सटेंस इन टू मेटेलिक कंटेनर, क्लियर। यहां पर सिर्फ ब्रास एंड कॉपर की बात नहीं है, किसी भी मेटेलिक कंटेनर में, आयरन वगैरह में भी नहीं रखना, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा, corrosion हो जाएगा। Which gas? Second question, which gas? ये सारे questions आपको class work में करने हैं, in text question आपको class work में करने हैं, last chapter के भी in text question आपको class work में करने थे, आपने अगर नहीं किए तो आप उसको बाद में कर लेना, कोई जरूरत नहीं है अभी उस पे ध्यान देने की, आपने अगर first chapter पढ़ लिया तो उसको रहने दो, second chapter पे फिलहाल focus करो, in text question आपको class work में करने हैं, मैं सारे questions आपके साथ में discuss करता हूँ, जो नहीं भी किया है वो भी कर लूंगा, और ये आई थिंक इसका फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन है, एक पहले था वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, एसिड और मेटल के साथ में कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस, एंड इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, सो सोडियम प्लस HCl गिव NaCl प्लस हाइड्रोजन, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, पॉप साउंड, इट विल produce pop sound when a burning candle or a matchstick is brought near to that gas, ठीक है, जहां से वो गैस निकल रही है उसके पास में burning candle और matchstick ले जाएंगे, we will observe the pop sound. Question number third, metal compound A react with dilute HCl to produce effervescence. A compound है, वो metal है, ये दिया हुआ है, A react कर रहा है किसके साथ में, HCl के साथ में, और प्रोड्यूस हो रहा है एफर्वेसेंस यानी कि गैस बन रही है, ठीक है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, एक्सटिंग्विश मतलब बुझा दिया, तो कौन सी ऐसी गैस है जो यूज करते हैं हम फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस कौन सी निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, CO2 गैस निकल रही है, ये मेटल नहीं है, ये मेटल का कंपाउंड है लिखा हुआ है, सॉरी मेटल कंपाउंड, मेटल का कंपाउंड HCl के साथ में रिएक्ट करा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एक मिला हमें, तो यहाँ पे CaCl2 बना है, तो Ca कैल्शियम हो गया, CO2 क्या हो गया यहाँ पे, CaCO3, राइट, या फिर और CaHCO3, दोनों ही हो सकते हैं, HCO3 होल्डाइस, CaCO3 या CaH, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही हमें कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे। सो टिल हियर, यहाँ तक जो टॉपिक आज हमने पढ़ा इसको आपको कंप्लीट कर लेना है एंड नोट्स बनाते रहो आप, जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ और जो बुक में दिया हुआ है इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ में। ठीक है, थैंक यू।